मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदंबरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था और मैं उस दिन वहां था, उस भाषण में सामने बैठा था मैं और चिदंबरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था, नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से, नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था। तो भाषण दिया उसने और क्या भाषण दिया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है, यहीं से भाषण शुरू किया अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिशी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था, पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदंबरम से, तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहां 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता। 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है, 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होके मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डिगामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 पुर्तगाली, 450 साल पुर्तगाली क्यों आए, 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया, उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया, नादिर शाह क्यों आया, अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे? तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है, तो आया यहां पर। और यह तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया, मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए, क्यों आए भाई? हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। मैंने कहा उत्तर दे दो, अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो। कहने लगा नेहरू जी ने कहा। मैंने कहा नेहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है।
होते जिंदा तो उनसे पूछ लेता कि कहां से मिला ये तुम्हें कि भारत हजारों साल से गरीब है, किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है। मैंने कहा तुम नेहरू के मानस पुत्र हो, तुम ही बता दो, और क्या मानस पुत्र है कि नहीं नेहरू का। मैंने कहा तुम ही बता दो भाई, नेहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूं मैं। तो फिर चुप हो गया। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर।